अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे चुरमुरे का सुसला। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं चुरमुरे का सुसला। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चुरमुरे का सुसला। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। हमने मुरमुरा लिया है, ये देखिए हमने हरी मिर्च को ऐसे बारीक से चीर लिया है। आप चाहे तो इसको दरदरा पीस सकते हैं। मैंने लेमन लिया है, ये देखिए कड़ी पत्ता लिया है, और ये धनिया पत्ता। ये देखिए दो प्याज लिए हैं मैंने बड़े साइज के, इसको राउंड शेप में कट कर लिया है। और ये टमाटर, मैंने चार टमाटर लिए हैं और इसको अच्छे से कट कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं और भगोना रखते हैं। तेल डालेंगे इसमें, तीन चम्मच जितना मैंने तेल डाला है इसमें। सबसे पहले हम डालेंगे हरी मिर्च, क्योंकि ये डालने से पहले इसका टच अच्छा आता है, टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें डालेंगे हम जीरा, राई, मैंने एक एक चम्मच लिया है। अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, इनको मैंने स्लो रखा है, दो फ्लेम पे बनाएंगे। थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें ऐड कर लेंगे प्याज और टमाटर। फ्लेम को हाई कर लिया है, थोड़ा आंच इसकी बढ़ा ली है हमने। मसाले डालते समय थोड़ा फ्लेम को स्लो ही करना है, इसके बाद हम हाई कर लिया। अब डालेंगे धनिया पत्ता, मिक्स हो गया है। इसमें डालेंगे हल्दी, एक चम्मच डाला है, सॉल्ट अपने हिसाब से डालिए, कितनी कम ज्यादा लगता है। तो थोड़ा चटपटा करने के लिए हम डालेंगे इसमें लेमन रस, जो कि हमने आधा लिया था। आप चाहे तो इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी देर भिगो के रख के इसमें डाल सकते हैं इसका इमली का पानी, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। दो मिनट तक अच्छे से इसको पकने देंगे।
ये देखिए हमने मुरमुरे यहाँ पर रखे ना, तो इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए इसमें हम पानी डाल देते हैं, इसको अच्छे से भिगो देंगे। अच्छे से भिगोने के बाद हम इसमें डालेंगे, और थोड़ा पानी कम लग रहा था, भिगने के बाद इसको अच्छे से निचोड़ के हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको अच्छे से हम पीस लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने पीस लिया है, अब वो मिक्स कर लेते हैं। फुटाने का आटा इसमें डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है।